ऐसे ही मैं भी रोगी हूँ, आप कृष्ण भक्ति का रस कब पिलाओगे? सुखदेव जी कहने लगे, महाराज चार दिन हो गए, कुछ भोजन करो, रस की बात क्या करते हो? बोले नहीं, मैं ऐसा पेशेंट हूँ जो कि भोजन स्वीकार नहीं कर सकता, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, भोजन की बात छोड़ो। सुखदेव जी अत्यंत खुश हुए, मैं तो परीक्षा कर रहा था, कहीं तुम्हारी भोजन में इच्छा तो नहीं गई, भोजन की ओर मन तो नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें परीक्षा कर रहा था और पास हो गए, तो मैं अक्षरशः कृष्ण लीला सुनाऊंगा, आपको उसी ढंग से रहना होगा, बिल्कुल रहूंगा। तो सुखदेव जी शुरू करते हैं कि आपने कृष्ण की मूर्ति देखी है? हाँ देखी है। कृष्ण रंग को जान लो सब रंगों सिर मोर, जो इस रंग में रंग गया चढ़े रंग नहीं और। जिसके हृदय में कृष्ण रंग रंग गया, अब दूसरा रंग कोई भी चढ़ नहीं सकता, दूसरा रंग कभी चढ़ नहीं सकता। और जैसा काला कपड़ा होता है उसमें कोई रंग चढ़ नहीं सकता, तो श्री कृष्ण काले रंग में आते हैं। काले रंग से कलयुग में आने का मतलब यही है, क्योंकि कलयुगी संपूर्ण मानव का हृदय काला होता है, और काले को हटाने के लिए काला ही बनकर आते हैं। कंटके नैव कंटकम, आपके पैर में कोई कांटा चुभा हो तो उस कांटे को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, सुई चाहिए, तभी कांटा निकल सकता है। तो कलयुग में श्री कृष्ण काले रंग से आते हैं, और हमारे संपूर्ण मानव जाति के हृदय का कालिमा, हृदय का जो कालापन है वो हटाएंगे। कृष्ण की गीता जो भी पढ़ता है हृदय का अंधकार दूर होता है, उनकी मात्र गीता पढ़ने से। और गीता अब हिंदू समाज की नहीं रही, पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया, जैसे अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों की नहीं रही, विश्व ने स्वीकार कर लिया, ऐसे ही गीता ग्रंथ को पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया। क्या गोरा, क्या काला और क्या मंगोलियन गीता को पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे उससे अछूत हों तो शोभा नहीं देती। सारा विश्व पढ़ रहा है तो हमें कहीं पीछे न जाना पड़े, ध्यान रखना, पल डाल रहा हूं। गीता कंठस्थ होना चाहिए, 15वां अध्याय तो कंठ होना चाहिए ही, और प्रत्येक अध्याय का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हम हिंदू परिवार में हमने जन्म लिया है, हिंदू परिवार में जन्म लेकर गीता नहीं जानता हो तो जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तीन जगह टेढ़ा मेढ़ा बन करके आया, मेरी मूर्ति तीन जगह से टेढ़ी होती है, कमर से टेढ़ी, पाँव से टेढ़ी, गर्दन से टेढ़ी। पाँव से टेढ़ी, कमर से टेढ़ी और गर्दन से टेढ़ी, मेरी मूर्ति तीन जगह से टेढ़ी होती है। तीन जगह से टेढ़ी चीज किसी बोतल के अंदर में आप डालो, अंदर नहीं जाएगी, और अंदर जाने के बाद में फिर निकलकर बाहर नहीं आएगी, चाहे जान चली जाए, बोतल को फोड़ना पड़े तभी अंदर से बाहर आ सकती है, नहीं तो नहीं। तभी कहा,
कृष्ण रंग को जान लो। सब रंगों सिर मोर जो इस रंग में रंग गया चढ़ी रंग नहीं और। तो कृष्ण भक्ति जल्दी में अंदर नहीं जाती। मीराबाई की अंदर गई तो बाहर नहीं आई। भले विष का प्याला सामने आ गया टस मस नहीं हुई। विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हंसी रे। तो कृष्ण भक्ति जो है सबको हंसाती है और कोई डरने वाली बात तो है ही नहीं। महामति प्राणनाथ कहते हैं डर सकल स्वामी इनसे डरपत। संपूर्ण डर भाग जाएगा। डर से डरने की जरूरत नहीं, डर ही डर करके भाग जाएगा। डर सकल स्वामी इनसे डरपत या विध पाइये प्रेम प्रतीत। संपूर्ण डर ही भाग जाएगा। इसलिए कृष्ण भक्ति के सामने कोई डर रुक नहीं सकता। तो आप समझ रहे थे पाँव से टेढ़ी बैकुंठ की लीला, कमर से टेढ़ी गोलोक धाम की लीला, गर्दन से टेढ़ी अक्षरातीत की लीला। त्रिधा लीला हो गई। कृष्ण स्वरूप को समझ गए। पाँव से टेढ़ी बैकुंठ की लीला, कमर से टेढ़ी गोलोक धाम की लीला, गर्दन से टेढ़ी अक्षरातीत की यानी परम धाम की लीला। बस तीन चीज समझना, कृष्ण को समझ गए। श्री कृष्ण का विग्रह स्वयं फिलोसफी है, दर्शन है। और इसी फिलोसफी को समझना, अगर थोड़ी सी समझने में देरी कर दी तो आपके मन में इतनी शंकाएं आएंगी कृष्ण ने राधा जी से प्यार किया लेकिन शादी किससे की? रुक्मणी से। देखिए गड़बड़ हुई कि नहीं? एक से प्यार करना, दूसरी से शादी करना, कितनी गड़बड़ी है। ध्यान से सुनना, इस गड़बड़ी को मन से निकालना पड़ेगा। तो कहने का भाव श्री कृष्ण की त्रिधा लीला, बाल लीला और वही लीला हम सुनने जा रहे हैं। हम सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तत्राम सेन कुछ अंश से अभी अवतीर्ण हुए। तत्राम सेनावतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि। परमात्मा के अंश से प्रकट हुए हैं, इसका मतलब भगवान विष्णु का स्वरूप सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। विष्णुर्वीर्याणि शमशनः तत्राम सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शमशनः। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला तीन प्रकार से जुड़ी जाती है। तो आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले वसुदेव देवकी का पूर्व जन्म प्रिश्नी और सुतपा नाम से प्रसिद्ध था। नाम याद रखना, प्रिश्नी और सुतपा। देवकी का नाम था प्रिश्नी, वसुदेव का नाम था सुतपा। प्रिश्नी सुतपा, इस नाम से उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की, तपस्या किया। भगवान प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया। वरम ब्रूही, वर मांगो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने वरदान मांगा, भगवान आप हमारी तपस्या से खुश हैं तो आप पुत्र रूप में आ जाना। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, मैं पुत्र रूप में आऊंगा। पहला कारण, वसुदेव देवकी के पूर्व जन्म में प्रिश्नी और सुतपा नाम था। उन्होंने वरदान मांगा भगवान विष्णु से, आप पुत्र रूप में आओगे। दूसरा कारण, मथुरा में
उग्रसेन नाम के राजा हैं। उग्रसेन नाम के राजा राज करते हैं और उनकी पत्नी का नाम था पद्मा। पद्मा से संपर्क हुआ एक द्रुमलीक नाम का राक्षस था। द्रुमलीक नामक राक्षस से पद्मा रानी का संपर्क हुआ तो बालक जन्मता है। जैसे ही बालक जन्मा पद्मा रानी डर गई और एक बक्से में डाल दिया और उस बक्से को यमुना में बहा दिया। बक्सा बहते 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 आगे बढ़ा और वसुदेव जी महाराज गाय चरा रहे थे। यमुना के किनारे सुंदर बक्सा देखा, उस बक्से को उठाकर लाए बड़ा सुंदर बालक। उस बालक को घर में लाए और सेवा करने लगे, नाम रख दिया कंस। तभी तो कहा, अच्छों के बुरे होते हैं उलट जात है वंश। हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद हुए और उग्रसेन से कंस। कंस बड़ा होने लगा। बड़े होने के बाद उसको पता लगा कि मुझे मेरी माँ ने यमुना में बहा दिया था और वसुदेव जी ने मेरे उद्धार की है, मुझे पाला है पोषा है। अब मेरा कर्तव्य बनता है मैं भी इनके लिए कुछ सेवा करूं। तो कंस ने सोचा कि अपने चाचे की लड़की देवक की बेटी देवकी हैं और देवकी का विवाह मैं वसुदेव जी से कर दूंगा। वसुदेव जी से देवकी का विवाह कर दिया। राजा लोग बहुत विवाह करते ही हैं, बहु विवाह होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। विवाह कर दिया और बड़ी खुशी के साथ पहुंचाने के लिए जा रहा है। बहुत सारा दहेज दिया, और दहेज का नाम क्या वर्णन करना, बहुत दिया। बस दहेज देना सरकार भी इतनी अच्छी नहीं समझती, बहुत सारा दिया। बस बहुत सारा दहेज देकर पहुंचाने के लिए जा रहा है कंस। तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। जिस बहन की विदाई के लिए बहुत सारा दहेज देकर तुम पहुंचाने के लिए जा रहे हो, इसी के आठवें गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित है। अब कंस बदल गया, तुरंत रथ से उतरा, मारने के लिए तैयार हो गया। इसी को मूर्ख कहते हैं। छिड़े रुष्टा छिड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छिड़े छिड़े। एक क्षण, बस एक क्षण में गुस्सा हो जाए और दूसरे क्षण में आग बबूला, तीसरे क्षण में खुश, इसे मूर्ख कहते हैं। बिल्कुल आग बबूला हुआ गुस्से से, रथ से उतरा और अपने बहन के बाल को पकड़ा, मारने को तैयार हो गया। तब वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, महाराज आप राजा हो करके अपनी बहन की हत्या शोभा नहीं देती। आप तो सिंह हो करके शेर के जैसे आपको काम होना चाहिए, बहन की हत्या शोभा नहीं देती। प्रशंसा की। प्रशंसा करते ही कंस खुश हो गया। प्रशंसा सबको प्यारी होती है। प्रशंसा सुन करके सारी दुनिया खुश होती है, कंस भी खुश हो गया। मूर्ख किसे कहते हैं? विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीड़नाय।
खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या पढ़ा हुआ लेकिन विवाद के लिए, पढ़ी हुई विद्या विवाद के लिए, और कमाए हुए धन अभिमान के लिए, लेकिन वही संतों के पास में है तो पढ़ी हुई विद्या उपकार के लिए और धन भी उपकार के लिए। खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय, विद्या ज्ञान के लिए और धन दान के लिए, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो कंस खुश हो गया, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। श्री राधे की रट ले रटना, श्री कृष्ण तुझको मिल जाएंगे। राधे श्याम के सुमिरन से कान तेरे बन जाएंगे। महामति प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए परम पूज्य संत श्री तिलक चैतन्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पारस चैनल पर। चतुर्थ शताब्दी मनाए जागनी ज्योति जलाए, चतुर्थ शताब्दी मनाए। गुरु जी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के कुशल मार्गदर्शन एवं गुरु जी श्री 108 सदानंद जी महाराज के संरक्षण में इटहरी नेपाल में महामति प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय महामहोत्सव एवं जागनी रथ यात्रा का समापन समारोह 6-13 अप्रैल 2019 तक संपन्न होने जा रहा है। उक्त अवसर पर कार्यक्रम रूपरेखा इस प्रकार रहेगी: नव निर्मित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्ति धाम का समुद्घाटन, कलश शोभा यात्रा, मंदिर के शिखर का कलश अनावरण, महामति प्राणनाथ प्रणित 18,758 चौपाइयों द्वारा संकलित श्री तारतम सागर के 400 ग्रंथों का एक साथ पारायण, महामति प्राणनाथ प्रणित श्री तारतम सागर से सप्ताह व्यापी वाणी चर्चा, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा ज्ञान सप्ताह, रक्तदान शिविर का आयोजन, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के आचार्य गुरुजनों एवं विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू धर्म के संतों का आशीर्वचन, विभिन्न राजनेताओं द्वारा महामति प्राणनाथ जी के प्रति उद्गार भाव, वाणी गायन, भजन संध्या एवं प्रतिदिन विशाल भंडारा। कार्यक्रम स्थल श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्ति धाम इटहरी उप महानगर पालिका सुनसरी 4 नेपाल। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। निवेदक श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्ति धाम समिति इटहरी नेपाल। कार्यक्रम का डी लाइव प्रसारण देखना ना भूलें सिर्फ जय पारस चैनल पर।